तो आज के दिन थी बारात और ये हो रही थी दोपहर की रस्में, जो कि वो वाली होती है कुआरापन उतारने की। ये खाकर ये प्लेट आप लोगों को छुपानी है, ये आप लोगों ने खा सारे, ये प्लेट आप लोगों को छुपानी है और ये प्लेट जो है ये मिलेगा। अगर ये प्लेट नहीं मिली ये आप सब लोगों को पैसे देगा। ये प्लेट छुपानी है आप लोगों को, यार तो भी आपने भी खाना है और उससे रस्में ना, यार शादी की रस्में कितनी अच्छी होती है ना। मतलब ये वाली रस्म ऐसी थी कि खाना खिला चावल खिला रहे पूछ कुआरापन उतरा या नहीं उतरा, तो जिस प्लेट में ये लोग खा रहे हैं ना हमें रस्म होती है वो प्लेट छुपानी पड़ती है। और इन लोग ने पूरी जद्दोजहद लगा दी थी कि हम ऐसी जगह प्लेट छुपाए कि दूल्हे को मिले ही नहीं, क्योंकि उसको मिलती ही तो उसको पैसे देने पड़ते, हमें कुछ खिलाना पड़ता। खैर ये लड़के की शादी थी तो लड़कों ने की, लड़की की होती है तो लड़कियाँ करती है। एनीवेज ये लोग ना मुझसे बहुत छुप रहे थे कि मैं नहीं देखूं कि कहीं प्लेट मुझे दिख जाए, क्योंकि मैं फुल उसमें थी कि मैं प्लेट देख लूँगी कि लोग कहाँ छुपा रहे थे और जल्दी से जाके मोमू को बता दूँगी। तो ये कबीर ने आधे रास्ते से ही मुझे रोक दिया कि चल उधर जा तू नहीं देखना। एट दी एंड ये लोग ने बहुत कोशिश की, पता नहीं अपनी शर्ट्स में छुपाई, फिर छत पर आए और मैंने इनका पीछा एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। और जब प्लेट मिल गई ना ये लोग सब ने बोला तूने ढूंढवाई है प्लेट। एनीवेज इस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और ये है बारात की रात। इधर हमारी स्टार्ट होती है दूसरी रस्में। यार हम लोग की शादी में बेइंतहा रस्में होती है, पता नहीं क्या क्या, जिन रस्मों का तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। खैर ये दूल्हे को चल रहा है सेहरा, इतना प्यारा लग रहा था। और ये भाई बैंड बाजा वाले आए हुए हैं। उसके बाद एक और रस्म होती, वो रस्म अभी आपको आगे मिलेगी। पता नहीं कोई तीर होती है उसको ऐसे पानी में पता नहीं मारते क्या करते, ये भी एक रस्म है। उसके बाद ये बहुत मज़ा आ रहा था यार ये रस्में, जब आप लोग पता है बहुत मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना उनको बहुत शौक होता है सारी रस्में देखने के लिए। तो यस जिनको रस्में देखनी होती है वो ईजली ये सारी रस्में देख सकते हैं। मज़े की बात, जिस दिन मोमू की बारात थी हम अंदर तैयार हो रहे हैं और इतनी बारिश, हम लोग को तो समझ ही नहीं आता हम जाएंगे कैसे। एनीवेज बारिश बंद तो हो गई लेकिन जब हम हॉल पहुँचे बारिश फिर से स्टार्ट हुई और हम जल्दी जल्दी अंदर। Oh!
है दुल्हन की एंट्री, जिसमें दुल्हन आई थी वो वाकई बहुत प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था और वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फाइनली ये हो रही है एक्चुअल शादी की रस्में, जो कि बारात की थी। खैर सारी रस्में एक्चुअली होती है, तो ना जिसको फेरे देखने का बहुत शौक है ना वो इस वीडियो में देख सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बड़ा मज़ा आता है फेरे देखने में। तो आप लोग देख लो यार इस तरीके से होते हैं, और ये रियल में देखने में ना ज़्यादा मज़ा आता है। तो फाइनली शी इज़ मिसेस सुमेश। तो शादी खत्म हो चुकी है। ब्रो आपको कैसा लग रहा है शादी खत्म? आपको कैसा लग रहा है शादी का बताएं जरा, आप बताएं। हमने दो दिन इनके मुंह बंद हुए हुए चिपक गए, ये बताएं। अभी शादी खत्म हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं अपने अपने घर। और बबलू, ये था हमारा बबलू करेक्टर। मडो मडो ब्लॉग शूट हो रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे दो लफ्ज वो? आपको कैसा फील हो रहा है शादी खत्म हो गई? थका हुआ, आप थक गई? ओके कबीर से पूछेंगे अब। कभी व्लॉग शूट हो रहा है, कोट उतारा है फिलहाल, कोट उतारा है, कोट उतार गया आपका, ये शेकर भाई ना। इसके बाद वाला जो पार्ट है ना थोड़ा इमोशनल है, लेकिन इसके बाद वाला फुल मस्ती से भरा हुआ। हाय करो, हाय, सारे हाय करो, सारे हाय करो। पैसे लावड़ा, पैसे लावड़ा, खाना निष्ठा, खाना निष्ठा, सही बात है, खाना निष्ठा। ए छोटे तुम साइड में हो जाओ, छोटे पैसे दो, खाना खाने औरत की बात बन रही। चले चले चल, लड़कियां देख के तू चले, चल 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 चल, वापस वो लेना नहीं कोई भी। हमने इनको 6000 रुपए लेके दिए, अभी हमें केफी खिलाएंगे। वरना लड़कों को 1 रुपए की चीज दे दो यार, हमने हेल्प करी है, हेल्प करी हमने। सिट सिट कैमरा में बोलो बोलो, आज मैं पैसे की हवा में सोऊंगा। दो हाथ नहीं, दो हाथ नहीं, आप लोग मिल गए कितने रुपए का? वरना जेब में उसको, जेब में मेरे जूते के डब्बे में। फाइनली
शादी की आखिरी रस्म जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे की धागे ओपन करते और ये लोग ने फाइनली ओपन कर लिए थे। अब स्टार्ट होता है हमारा रिसेप्शन। तो गाइज रिसेप्शन हमारा हुआ था कराची में, पेशावर में पूरी शादी हुई थी और ये दूल्हा दुल्हन ने मारी एंट्री। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। तो बड़ा मज़ा आया था यार हमें ना, बिल्कुल डे फर्स्ट से लेके एंड तक इतना कोई हमने इन्जॉय किया था। पूरी शादी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, सो अब रिसेप्शन भी देख लें। No.
Subscribe my channel, like it, okay, bye.